हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक। मैं आपको बताऊंगा कि MCX मार्केट में सेफ काम कैसे करेंगे, सेफ काम करके हम डेली प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। अभी आप सिंपल देखो, ये मैंने आज काम किया है क्रूड ऑयल में। कॉल में मैंने 14,000 बुक किया है। क्रूड ऑयल सी में भी लगभग 4-5 हज़ार बुक है। क्रूड ऑयल फ्यूचर में 2,000 है और जिंक में 1,750 है। ठीक है, तो इसमें मेरा कैपिटल ज़्यादा नहीं था। अब अगर आप देखोगे, ओपनिंग बैलेंस काफ़ी कम था, लगभग ओपनिंग बैलेंस 2,000 था और कुछ पोजीशन मेरा होल्डिंग पे था। ठीक है, तो अभी आपको सेफ काम कैसे करना है। अभी फ़िलहाल मार्केट बहुत वोलेटाइल है, क्रूड ऑयल तो बहुत ही वोलेटाइल है, क्योंकि कुछ न्यूज़ पॉजिटिव है, कुछ न्यूज़ निगेटिव है। मोस्टली क्रूड ऑयल के लिए अभी फ़िलहाल न्यूज़ टोटली निगेटिव है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल जब कोई सेगमेंट अगर वोलेटाइल होता है, मतलब वोलेटाइल मतलब उसमें बहुत ज़्यादा अपसाइड होता है, अपसाइड भी जाता है डाउनसाइड भी आता है। मतलब हाँ, गेस नहीं कर पाते कि ट्रेड कहाँ करेंगे और SL कहाँ लगाएंगे। अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल आज का, तो देखो सुबह क्रूड ऑयल ओपन हुआ था 3650 पे, उसने लो लगाया 3588 पे। तो जैसे कि मैंने कहा था इससे पहले वीडियो में भी कि क्रूड ऑयल का एवरेज मूवमेंट जो होता है वो 50 से 60 पॉइंट का होता है डेली का। तो मतलब क्रूड ऑयल 50 पॉइंट अप भी आ सकता है, 50 पॉइंट डाउन भी जा सकता है। तो इसमें हम 20-25 पॉइंट कैसे निकालेंगे। अगर एक ट्रेड पे आपको 10 पॉइंट भी मिल रहा है तो भी आपको 1,000 प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका स्टॉप लॉस और टारगेट। स्टॉप लॉस और टारगेट हम डिसाइड कैसे करेंगे। आपने देखा होगा क्रूड ऑयल का अगर हम कैंडल स्टिक चेक करते हैं, अगर हम मैं चार्ट में आपको जाता हूँ, तो चार्ट में लगभग हमें ये दिखाई देता है कि जो भी कैंडल बनती है वो अप डाउन होता है। देखो यहाँ पे रेड कैंडल्स है, ग्रीन कैंडल्स भी है, मतलब कुछ पॉइंट के लिए नीचे आता है, कुछ पॉइंट के लिए ऊपर जाता है। तो हमें क्या करना है, ये आपको क्रूड ऑयल को एक आपका एक बिजनेस है, बिजनेस के तौर पे आपको देखना है। जैसे कि मानो कोई भी बिजनेस है, सिंपल सा एक चाय वाला होता है, वो क्या करता है 10 रुपये में अपनी चाय बेचता है। एक चाय के ऊपर वो प्रॉफिट कितना कमाता है, ओनली 4 से 5 रुपये। तो यहाँ पे भी ऐसा है, आप सिंपल देखो कि आपका एक बिजनेस है, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो अभी यहाँ पे 16 प्राइस चल रही है, 616। तो अगर मानो मैंने 616 से बाई किया, आपका ब्रोकरेज का आप कॉस्ट निकालो जो भी है, मानो 1 पॉइंट आपका ब्रोकरेज में जाएगा, 1 पॉइंट आपका प्रॉफिट में होगा। अगर मानो मैं यहाँ से बाई करता हूँ, 2-3 पॉइंट मिल रहे हैं, तो तुरंत अपना SL ट्रेड करो। अभी मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ। अभी देखो मैंने क्रूड ऑयल ऑप्शन में काम किया है, 360 का ये बाई किया है। ठीक है, मैं आपको मेरा ऑर्डर दिखा देता हूँ। ठीक है, कंप्लीट ऑर्डर। अभी ये मैंने क्रूड ऑयल बाई किया था 31 से, 3,800 का कॉल मैंने 31 से बाई किया था। मैं कॉल में क्यों काम कर रहा हूँ, क्रूड ऑयल ऑप्शन में, क्योंकि क्या होता है क्रूड ऑयल काफ़ी वोलेटाइल है। मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया था कि आपको अगर लग रहा है कोई सेगमेंट बहुत वोलेटाइल है, वो अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे वक्त आप ऑप्शन में काम कीजिए। ऑप्शन में क्या होगा, अगर मानो क्रूड ऑयल 100 पॉइंट भी डाउन होता है, तो आपका जो ऑप्शन है वो 10, 15 या 20 पॉइंट डाउन हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन आपको पता है कि क्रूड ऑयल जैसे नीचे जाता है उसी तरह ऊपर भी आता है। तो आपको क्या करना है, उस वक्त ऑप्शन में काम करना है। ऑप्शन में काम करते वक्त आपको पहले रेंज बाउंड फिक्स करना है। अगर रेंज बाउंड मतलब कैसे, रेंज क्या फिक्स करेंगे आप। अभी मैं देख रहा हूँ कि क्रूड ऑयल आज ओपन हुआ था 3650 पे और लो उसने किया है 358 का। तो आपको कॉल या पुट लेना, ये कैसे डिसाइड करोगे। अगर क्रूड ऑयल काफ़ी हाई पे आ गया तो उस वक्त आप 5-10 पॉइंट के लिए पुट लोगे, और या क्रूड ऑयल बहुत नीचे आ गया तो उस वक्त आप क्या करोगे, कॉल लोगे। तो उसी तरह क्या हुआ था, क्रूड ऑयल काफ़ी नीचे आया था, लगभग 600 के नीचे आया था, 3,600 के नीचे आया था। तो उस वक्त मैंने ये कॉल ऑप्शन ले लिया है। ठीक है, तो अभी ये ट्रेड कर रहा है 35.40। ठीक है, अभी जहाँ से मैंने बाय किया है मैंने ऑलरेडी 5-6 पॉइंट बुक किया है। तो अभी कैसा ये जहाँ से मैंने बुक किया है अभी 6 पॉइंट मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये मुझे लॉक करना है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करूँगा। स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है, ठीक है, अभी इस कॉल ऑप्शन में मुझे लगभग 15,000 प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉक कैसे करेंगे हम प्रॉफिट, आप कोई भी कॉल हो आपका कुछ भी, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल क्रूड ऑयल का दे रहा हूँ। अभी ये 36 चल रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऑप्शन मैंने बाय किया है। तो स्टॉप लॉस हम कैसे लगाएंगे, मैं वही मार्केट वॉच में आऊँगा, इसी को सिलेक्ट करूँगा, उसको सेल करूँगा। इन केस ये नीचे आता है
मैंने एमआई नॉर्मल में बाय किया है तो नॉर्मल में लगाऊंगा। अभी मुझे ऑर्डर टाइप में क्या करना है, एसएल स्टॉप लॉस ऑर्डर। मैं प्राइस यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूँगा, अभी 36 चल रहा है, 35, 36 से ऊपर गया तो ठीक है, लेकिन अगर नीचे आता है तो मुझे एटलीस्ट 5-6 पॉइंट तो मिले कम से कम, क्योंकि जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको लॉक करना सीखो। अब ये 36 गया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 36.5 करता हूँ। अभी आप देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, 36.5। ऐसे आपको आपका जो प्रॉफिट है वो कवर कर जाना है। मेरे पास 5 लॉट है तो 5 लॉट मैंने कवर किया है, मैंने अभी ऑर्डर प्लेस किया। अगर यहाँ से नीचे भी आएगा तो मेरा 36 पॉइंट पे लॉक, प्रॉफिट लॉक हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने लॉक किया है 36.5, ये मेरा ट्रिगर पेंडिंग है, ऑर्डर मेरा पेंडिंग है। जब तक अगर नीचे नहीं आएगा ऑर्डर ओपन रहेगा, अगर नीचे आने लगा तो 36.5 पे मेरा ये ऑर्डर निकल जाएगा। अभी क्या है, चल रहा है 37.20, ठीक है। अगर यहाँ से 37.20 से हट के ये 80 आता है तो जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया है 36 पॉइंट पे, मैं उसको ट्रेल करके मॉडिफाई करूँगा। ऐसे यहाँ पे तुरंत मैं उसको यहाँ पे 38 या जो भी 39 है, जैसे ऊपर जाएगा मैं उसी तरह से अपना प्रॉफिट लॉक करते जाऊँगा। तो इस तरह आपको काम करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मार्केट में काम कैसे करना है, ऑर्डर कैसे लगाना है, किस टाइप में आप डेली का 2-3 हज़ार प्रॉफिट आराम से कमा सकते हो स्मॉल कैपिटल पे भी। मार्केट में मैं आपको कहूँगा कि कभी भी अपना ज़्यादा कैपिटल मत लगाओ, कभी भी नहीं। थोड़ा सा अमाउंट स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करो, 10,000 सफिशेंट है, 10,000 पे आप सीखो। जैसे ही आप उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा, देन आप अलग से कुछ अमाउंट ऐड मत करो, उसी 10,000 पे प्रॉफिट कमाओ। 10,000 का 12,000, 5,000, मतलब जो भी आपको मिलेगा उस तरह आप अपना कैपिटल बढ़ाओ। मार्केट में ज़्यादा पैसा मत लगाओ। मार्केट वैसे देखा जाए तो एक तरफ से बहुत ही रिस्की भी है, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ करोगे तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट दे सकता है। देखो 36 पे आ गया था ये, मेरा यहाँ पे ऑर्डर लॉक हो गया, बुक हो गया, अपना ऑर्डर कंप्लीट हो गया, और ये नीचे अभी 36 पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं सेफ साइड से खेला हूँ, बाय मैंने किया था यहाँ पे, आपको मैं दिखा देता हूँ कंप्लीट ऑर्डर में, जस्ट 1 मिनट। 31, ये ऑर्डर देखो 31 पे बाय किया था, 36.5 पे मैंने कहा निकाला, मतलब 5 पॉइंट मुझे मिल गए। तो 5 पॉइंट, एक लॉट पे 500 रुपये, मेरे पास 5 लॉट था तो 2,500 मुझे प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। तो उसमें मेरा ब्रोकरेज मेरा जाएगा, 200-300 रुपये ब्रोकरेज जाएगा, 2,000 रुपये मिल गया। ट्रेड का टाइम आप देखिए, मैंने ये बाय किया था यहाँ पे, आप देखो 8:31 पे, और निकाल दिया मैंने 8:45 पे, मतलब लगभग 15 मिनट में। अगर मार्केट या कुछ भी ऐसा इतना फास्ट सेगमेंट नहीं है जो 15 मिनट में आपको 2,000 प्रॉफिट दे, 15 मिनट में 2,000, आवरली आप कैलकुलेट करोगे तो आवरली होता है वो कितना, लगभग 8,000। मैंने 2,500 कमाए तो मतलब 1 घंटे में 10,000 भी हो सकता है। तो आपको इस तरह काम करना है, ना कि सुबह से कोई पोजीशन लिया है, 10-20 पॉइंट का टारगेट लगा दिया और उसको आप कंटिन्यू वॉच करते बैठ रहे हो, वो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो आपको तकलीफ हो रही है, पैनिक आप हो रहे हो, ऐसा ट्रेड मत करो, स्मार्ट ट्रेड करो। जब स्मार्ट ट्रेडिंग से ही आप प्रॉफिट कमा सकते हो। और क्रूड ऑयल में मैं तो कहूँगा आप 10-10 पॉइंट के लिए खेलिए। अभी आप देखो यहाँ पे क्रूड ऑयल में इतना मूवमेंट है, 22-23, अभी हमने इससे पहले देखा था जब मैं आपसे बात कर रहा था उस वक्त 15-16 पे था, अभी 25 आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, एक रेंज फाइंड करना है। अभी यहाँ पे 26 आ गया है, 27 हो रहा है, तो यहाँ से अगर मैं सेल लगा दूंगा तो यहाँ पे कैसा है, सेल का कॉल फिर से बन रहा है 27-28 पे, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से सेल करूँगा। अगर ऊपर से सेल कैसे करना है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, MIS में मैं सेल करूँगा, लिमिट ऑर्डर है मेरा, और अब ये 25 चल रहा है, ठीक है। तो 3630 का मैं सेलिंग का ऑर्डर लगाऊंगा, जैसे ये ऑर्डर मेरा ओपी ओपन में आएगा ऊपर, ठीक है। अभी ये ऑर्डर ओपन है, जैसे 30 आएगा, 30 पे सेल हो जाएगा, आपको पता है हाई पे आके तुरंत वो नीचे जा रहा है, तो इस प्राइस का मूवमेंट आप ले सकते हो। ये भी स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हो, या जैसे मैंने कहा था अभी 28 था उसी वक्त आप सेल करते, अभी 25-26 हो रहा है, तो ये 4-5 पॉइंट भी आप आराम से ले सकते हो क्रूड ऑयल में। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए मार्केट के रिलेटेड, एनी, मैं प्रॉफिट मार्ट में ब्रोकर हूँ, RM का मेरा पोस्ट है अभी, रिलेशनशिप मैनेजर। जो भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए
मार्केट के रिलेटेड, डीमैट कैसे ओपन करना है, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, एनी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और प्रॉफिट मार्ट काफ़ी अच्छा ब्रोकिंग फर्म है, आपको सर्विस काफ़ी अच्छी दी जाएगी, ब्रोकरेज काफ़ी कम है। एनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना है, कुछ भी आपके मन में कोई भी डाउट है कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या कोई भी आपका टॉपिक हो मार्केट रिलेटेड, तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, तो जो भी कुछ मैं नया वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा तो आपको अपडेट हो जाएगा। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, हमारे एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप है, उस ग्रुप पे हमारे और से डेली क्लाइंट को कॉल जाता है कि विथ टारगेट स्टॉप लॉस के साथ। इवन अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा कि ईच एंड एवरी कॉल आपका सक्सेसफुल होगा, अगर मैं 10 कॉल दे रहा हूँ तो उसमें से 70% का सक्सेस रेशियो होता है, 7 कॉल तो टारगेट आपको डेफिनेटली मिलेगा, एक दो कॉल पे आपका एसएल हिट हो सकता है। आफ्टर ऑल मार्केट इज अनसर्टन, मार्केट को आप कभी भी फुल टाइम मत बनाओ, उसको पार्ट टाइम रखो, शॉर्ट टाइम कम समय के लिए ट्रेडिंग करो, जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है लॉक करो और हैप्पी हो जाओ। ओके, थैंक यू सो मच। जो भी कुछ आपको कंसर्न है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो।